नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे विल और वसीयत के बारे में। अक्सर लोग मुझसे जब पर्सनली मीटिंग कर रहे होते हैं या फिर कॉल पर कंसल्ट कर रहे होते हैं, तो कुछ चीजें उनके मन में बड़ी परेशानी पैदा करती हैं। जैसे कि अगर एक वसीयत करता अपनी संपत्ति का विभाजन करते समय अपने किसी बच्चे को संपत्ति से वंचित कर दे, या फिर हो सकता है सभी बच्चों को संपत्ति से वंचित कर दे। इसके अलावा किसी एक बच्चे को संपत्ति देते हुए बाकी सभी भाइयों बहनों को संपत्ति से वंचित कर दे। इसके अलावा किसी को भी संपत्ति ना दे, किसी बाहरी व्यक्ति को अपनी संपत्ति देकर चला जाए, तो क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर उस विल वसीयत को कैंसिल कराया जा सकता है? क्योंकि देखिए, लोगों के मन में अक्सर क्वेश्चन बना रहता है कि चलिए कोर्ट में तो हम केस कर देंगे, 4 साल 5 साल 6 साल कोर्ट में केस भी चलेगा, पर क्या ऐसी स्थिति में केस करने का उनको फायदा मिलेगा? क्या पैसे लगाने के बावजूद भी उनके पक्ष में कोई फायदा आएगा? यह चीज मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर करूंगा, यानी कि केस का साइटेशन नंबर, केस डिटेल, सारी चीज आपको क्लियर करके दी जाएगी, ताकि उस जजमेंट का यूज करते हुए आप अपने केस को अपने फेवर में बड़ी इजीली कर पाए। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को मेरी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना कमेंट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में सीधा जजमेंट पर हम ना बढ़ते हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस कर ले। जैसे कि द लीगल क्लासेस बाय दीपक अंग्रेज, मैंने आप सभी लोगों के लिए एक नया YouTube चैनल क्रिएट किया है, जहां पर मैं आप सभी लोगों को लॉ की क्लासेस प्रोवाइड कराने वाला हूं। अगर कोई स्टूडेंट है जो LLB को परस्यू कर रहा है, जुडिशियल एग्जामिनेशन की प्रिपेरेशन कर रहा है, रिसेंट में लॉ कंप्लीट की है, या फिर कोई अदर इंडिविजुअल है जो लॉ को और डीपली समझना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वहां पर आपको लॉ के प्रोविजन से रिलेटेड और ज्यादा डीप इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। अब दोस्तों, सबसे पहले हम वीडियो की स्टार्टिंग में वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लें, जहां पर कोर्ट की नजर में एक वसीयत को चैलेंज करके संदेह की नजर से देखा जाता है, यानी कि किस किस कंडीशन में आप एक वसीयत को कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हैं। नाउ, सबसे पहले अगर आप हमारे इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 2 सब क्लोज एच पर नजर डालते हैं, तो वहां पर आपको विल वसीयत के बारे में बताया गया है। इसके अलावा और भी कई ऐसे प्रोविजंस हैं, और भी कई ऐसे एक्ट्स हैं, जैसे कि IPC वगैरह चैप्टर 2 की बात कर रहा हूं, जनरल एक्सप्लेनेशन की, जहां पर एक विल को डिफाइन किया गया है, जहां पर क्या कहा गया है कि विल एक प्रकार का टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है, जहां पर एक इंसान अपने जीते जी अपनी संपत्ति का विभाजन करके चला जाता है। वो एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसको हम विल वसीयत कहते हैं, जहां पर वो मेंशन करता है कि जब उस वसीयतकर्ता का देहांत हो जाएगा, वो अपनी संपत्ति का विभाजन किस प्रकार से करना चाहेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति अपनी वसीयत लिख रहा है उसको टेस्टेटर यानी कि वसीयतकर्ता कहते हैं, और जिसके फेवर में संपत्ति दी जा रही है उसको बेनिफिशियरी कहा जाता है। इसके अलावा हर वसीयत के अंदर दो विटनेस होते हैं, यानी कि दो गवाह होते हैं। इसके अलावा अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है और मुझसे कहते भी हैं कि सर, एक वसीयत तो हमारे पास है पर वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो नोटराइज नहीं है, तो क्या इसकी कानूनी रूप से मान्यता है? जी हां दोस्तों, इसकी कानूनी रूप से पूरी मान्यता है। अगर आप हमारे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 18 के प्रोविजन पर नजर डालते हैं, तो वहां पर विल को डिफाइन किया गया है, यानी कि विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास विल है जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, नोटराइज भी नहीं है, तब भी उसकी कानून में पूरी मान्यता मानी जाएगी, आप बस वहां पर दो विटनेस के साइन करवा लें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई मृत्यु होने के बाद भी, यानी कि वसीयतकर्ता का अगर देहांत हो जाए उसके बाद भी आप अपनी वसीयत को रजिस्टर करवाएं, तो कानून में भी ऐसे प्रावधान मौजूद है जहां पर वसीयतकर्ता का देहांत भले हो गया हो, आप लीगली तरीके से, आप कानूनी तरीके से
उस वसीयत को रजिस्टर करवा सकेंगे। अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक पर सेपरेट वीडियो लेकर आऊं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। नाउ अब हम आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिस्कस करते हैं, जहां पर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं, यानी कि वो कंडीशन कौन कौन सी होगी जब कानून के अंदर, कोर्ट के अंदर एक विल को संदेह की नजर से देखा जाएगा। सबसे पहले दोस्तों डिस्प्ले पर आप केस टाइटल देखिएगा, ताकि आप इस जजमेंट को बड़ी इजीली डाउनलोड कर सकें। देखिए डिस्प्ले पर आपको केस डिटेल्स दिखाई दे रही होंगी, कविता कन्वर वर्सेस मिस पमेला मेहता, 19 मई साल 2020 की ये जजमेंट है, सिविल अपील नंबर 3688 ऑफ 2017। नाउ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी, जहां पर यह बताया गया था कि अगर कोई इंसान विल वसीयत को चैलेंज कर रहा है तो सस्पिशियस सर्कमस्टांसिस दिखाने पड़ते हैं। अब सस्पिशियस सर्कमस्टांसिस कौन से होंगे, डिस्प्ले पर मैं आपको दिखाकर समझा देता हूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सस्पिशियस सर्कमस्टांसिस वो होते हैं व्हेन इट इज नॉट नॉर्मल, यानी कि विल के अंदर अगर एक ऐसी स्थिति बन रही है जो नॉर्मल नहीं लग रही, नॉट नॉर्मली एक्सपेक्टेड इन द नॉर्मल सिचुएशन, यानी कि जो चीज नॉर्मल सिचुएशन में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, और इज नॉट एक्सपेक्टेड बाय अ नॉर्मल पर्सन, जो एक साधारण व्यक्ति नॉर्मली ऐसी कोई चीज नहीं कर सकता, अगर ऐसी कोई कंडीशन विल में बन रही है तो उस विल को संदेह की नजर से देखा जाएगा। अब इसको कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल से समझा देता हूं। देखिएगा अगर एक वसीयत के अंदर वसीयतकर्ता ने शेकी हैंड से अपने साइन किए, यानी कि जब वो साइन कर रहा है तो वो साइन हिलते डुलते हाथों में किए गए हैं, वो साइन वसीयतकर्ता के बाकी साइन से मैच नहीं कर रहे, या फिर जो वो वसीयत बनाई गई है वहां पर अनसर्टेन माइंड दिखाया गया वसीयतकर्ता का, कि जो वसीयतकर्ता है उसका जो माइंड है वो फिक्स नहीं है, वो साबित ही नहीं कर पा रहा कि वो वसीयत के अंदर लिख क्या रहा है। इसके अलावा अगर एक वसीयत के अंदर जो प्रॉपर्टी बांटी गई है वो अनफेयर डिस्पोजिशन है, किसी वसीयतकर्ता को हिस्सा ही नहीं दिया गया, वसीयतकर्ता ने किसी बच्चे को पूरा का पूरा बाहर कर दिया, पर अगर वो चीज प्रॉपरली तरीके से मेंशन नहीं की गई कि इसके पीछे कारण क्या है, तब उसको संदेह की नजर से देखा जाएगा। इसके अलावा अगर किसी लीगल ईयर को बेवजह बाहर कर दिया, कोई कारण नहीं है, तो वो भी संदेह की नजर से देखा जाएगा। इसके अलावा अगर एक बेनिफिशियरी है, यानी कि जिसको वसीयत के अंदर बेनिफिट मिल रहा है, प्रॉपर्टी मिल रहा है, देखा जा रहा है कि वो बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, एक्टिव रोल वही विल बनवा रहा है, वही जाकर रजिस्टर करवा रहा है, वही विटनेस ढूंढ कर ला रहा है, तो ये माना जा सकता है कि भाई जो वो बेनिफिशियरी है उसने कहीं ना कहीं दबाव जरूर बनाया होगा वसीयतकर्ता के ऊपर। अगर ऐसी कोई कंडीशन बन रही है तो उसको कोर्ट और कानून की नजर में संदेह की नजर से देखा जाएगा। रेलिवेंट जजमेंट में ये सभी पॉइंट्स ऑलरेडी क्लियर किए गए थे दोस्तों। नाउ अब हम बात करते हैं कि भाई चलिए सर ने तो हमें बता दिया कि कब कब विल को संदेह की नजर से देखा जाएगा, शक की निगाहों से देखा जाएगा कोर्ट की तरफ से, पर अगर एक वसीयतकर्ता ने अपने सभी बच्चों को बराबर हिस्सा नहीं दिया गया, किसी एक को बाहर कर दिया बाकी को हिस्सा दे दिया, तो क्या ये चीज उस विल को कैंसिल करवा सकती है? नाउ इस चीज को मैं रेलिवेंट जजमेंट को आपको क्लियर कर दूं, ताकि आपको यह कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। देखिएगा डिस्प्ले पर जजमेंट आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों, जजमेंट का नाम था स्वरलता वर्सेस कालावैथी, 30 मार्च 2022 की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी, सिविल अपील नंबर 1565 ऑफ 2022, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी। नाउ दोस्तों इसके अंदर भी कुछ यही पॉइंट डिस्कस किए गए, जहां पर यह चीज क्लैरिफाई की गई कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी हमवारिस को, किसी लीगल ईयर को प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया, या फिर एक वसीयतकर्ता ने प्रॉपर्टी का विभाजन सही तरीके से नहीं किया, तो वहां पर उस तरीके से उस वसीयत को कैंसल नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों है, डिस्प्ले पर मैं दिखाकर समझा देता हूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा, प्लीज ध्यान से समझिएगा, इन द मैटर ऑफ एप्रिशिएटिंग द जेन्युइननेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द विल, अगर एक विल को जेन्युइननेस चेक करने जा रहे हैं कि वो विल क्या सही तरीके से बनाई गई है या नहीं, तो ऐसी कंडीशन में देयर इज नो प्लेस फॉर द कोर्ट टू सी वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन मेड बाय द टेस्टेटर वाज फेयर एंड इक्विटेबल टू ऑल ऑफ हिज चिल्ड्रन, एंड कोर्ट डज नॉट अप्लाई आर्टिकल 14 टू डिस्पोजिशन अंडर अ विल। यानी कि सरल भाषा में समझा देता हूं कि अगर किसी वसीयतकर्ता ने अपने एक बच्चे को संपत्ति से बाहर कर दिया, बाकी सबको प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दिया, या फिर किसी को भी हिस्सा नहीं दिया गया, तो वहां पर आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा जो राइट ऑफ इक्वालिटी की बात करता है। और ऐसी कंडीशन में अगर किसी बच्चे को, लीगल ईयर को प्रॉपर्टी से बाहर किया गया है, तो इस कारण से
उस वसीयत को कैंसिल नहीं किया जा सकता। हां, अगर यह चीज संदेहात्मक है, शक किया जा रहा है, तो विल को चैलेंज किया जा सकता है, नो क्वेश्चन, पर केवल इसी कारण से उस विल को कैंसिल नहीं किया जा सकता। और विल को चैलेंज करना और कैंसिल करना ये दोनों अलग अलग चीज है। चैलेंज करना एक कोर्ट प्रोसेस है, जब कोर्ट में जाकर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, और कैंसिल करना कोर्ट का ऑर्डर और डिक्री होता है, कोर्ट का फाइनल जजमेंट होता है, तो वो चीज अलग होगी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर एक बच्चे को प्रॉपर्टी से वंचित कर रखा है तो वो विल को चैलेंज भले कर सकता है कि भाई विल के अंदर प्रॉपर रीजन मेंशन नहीं है कि मुझे क्यों बाहर किया गया। हो सकता है किसी भाई ने दबाव में रहते हुए मुझे जानबूझकर बाहर कराया, ऐसी कंडीशन में विल को चैलेंज कर सकता है और साबित करने की कोशिश कर सकता है, पर केवल इसी पॉइंट से वो विल को कैंसिल नहीं करवा पाएगा। रेलिवेंट जजमेंट से मैंने ये चीज आपको क्लियर कर दी दोस्तों। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि भाई मान लेते हैं एक विल के अंदर किसी भी बच्चे को हिस्सा नहीं दिया गया, केवल विल के अंदर अपनी प्रॉपर्टी किसी आउटसाइडर को दे दी, उसका बच्चा जीवित है, उसकी पत्नी जीवित है जो टोटली उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, और एक इंसान ने अपनी वसीयत को किसी बाहरी व्यक्ति को दे दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा वो मैं क्लियर कर देता हूं आपको। इस चीज को दोस्तों समझने के लिए आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट देखनी होगी। पहले आप केस टाइटल समझ ले, तब मैं आपको आगे समझाता हूं। देखिएगा, केस टाइटल है सरोजा अम्मल वर्सेस एम दीनदयालन, और यहां पर सिविल अपील नंबर है 2828 of 2022, और जो डेट ऑफ जजमेंट है हमारी, प्लीज बड़ी ध्यान से देखिएगा, 8 अप्रैल साल 2022 की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी। नाउ इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिफाइन किया मैं आपको क्लियर कर देता हूं। प्रेजेंट केस के अंदर जो वसीयतकर्ता की पत्नी थी वो कोर्ट में विल को चैलेंज कर रही है, ये चीज कह रही है कि भाई मैं वसीयतकर्ता की पत्नी हूं और मेरा प्रॉपर्टी पर राइट होना चाहिए, और ऐसी कंडीशन में प्रॉपर्टी पर हक मुझे ही मिलना चाहिए। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज क्लैरिफाई की कि भाई अगर एक ऐसा इंसान है जो, प्लीज इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान समझिएगा, जो अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो उसने अपनी खुद की इनकम से खरीदी हो, या फिर वो प्रॉपर्टी जो उनको गिफ्ट डीड, विल वसीयत या फिर सेल डीड से मिली हो, इसके अलावा अगर एक एंसेस्ट्रल या कोपार्सनरी प्रॉपर्टी थी जिसका विभाजन करके सेपरेट प्रॉपर्टी कर दिया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में इन तीनों प्रॉपर्टी को एक इंसान जो उसका एब्सोल्यूट ओनर है अपनी मर्जी से किसी आउटसाइडर को भी दे सकता है, किसी स्ट्रेंजर को भी दे सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो उसके लीगल हीयर्स हैं, जो उसके डिपेंडेंट्स हैं, वो कोर्ट में क्लेम नहीं कर पाएंगे कि हम इनके ऊपर टोटली डिपेंडेंट थे, हम इनके ऊपर टोटली जीवित थे। ऐसी कंडीशन में विल को कैंसिल करके प्रॉपर्टी हमें दे दी जाए। एक इंसान जिसकी वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, सेपरेट प्रॉपर्टी है, उसके पास ये अधिकार बनेगा कि वो अपनी मर्जी से अपनी उस संपत्ति को किसी भी इंसान को दे सकता है, चाहे अपनी पत्नी को दे, अपने बच्चे को दे, अपने भाइयों को दे, अपने माता पिता को दे, या फिर किसी बाहरी व्यक्ति को, आउटसाइडर को दे। कोई भी उस स्थिति में उस विल को कैंसिल नहीं करवा सकता। देखिए, चैलेंजेबल है, शक की निगाहों में देखा जा सकता है, बट इट डजंट मीन दैट उसको कैंसिल ही कर दिया जाए। तो ये चीज आपको जजमेंट से क्लियर हो गई होगी दोस्तों। नाउ उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो मेरा आप लोगों से छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को एक नंबर देकर रखा है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।